हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जिनकी लिस्टिंग मार्केट में कुछ टाइम पहले ही हुई है। सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला स्टॉक है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी पीवीसी, सीपीवीसी, लुब्रिकेंट्स और मेटेलिक सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और यह इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पीवीसी स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चरर है विद मार्केट शेयर ऑफ 13%, जो कि इस कंपनी का बहुत अच्छा पॉइंट है। इस स्टॉक की लिस्टिंग 5 मार्च 2024 को 35% गेन के साथ हुई थी, और अगले 6-7 दिन तक कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला था। वीडियो बनाते समय यह स्टॉक 200 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इसका बिजनेस काफी अच्छा है, जो आगे चलकर यह स्टॉक मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। इसके अलावा इसकी मार्केट कैप 1,096 करोड़ की है, और पीई रेशियो 29.2 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 89.3% है, और आरओसीई 74.8% है, जो कि बहुत जबरदस्त है। यही रेशियो एक स्ट्रॉन्ग और बढ़िया कंपनी की पहचान होती है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.35 है, और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 71% की अच्छी होल्डिंग है, और साथ ही एफआईएस भी 6.17% का स्टेक होल्ड करते हैं, और डीआईएस की भी 5.07% की होल्डिंग है। बात करें प्रॉफिट्स की तो मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का था, जो मार्च 2023 में इंक्रीज होकर 38 करोड़ के हुए थे। इस कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टॉक है आरके स्वामी लिमिटेड। दोस्तों, ये बढ़िया और ग्रोइंग कंपनी है। यह कंपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट्स रिसर्च एंड सिंडिकेटेड स्टडीज का बिजनेस करती है। दोस्तों, यह स्टॉक 12 मार्च 2024 को लिस्ट हुआ था, और उसी दिन इस स्टॉक में 11% की गिरावट देखने को मिली थी। अभी यह स्टॉक 298 पर ट्रेड कर रहा है, और इसके फंडामेंटल्स देखें तो इसकी मार्केट कैप 1522 करोड़ की है, और पीई रेशियो 49 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 101% है, और आरओसी 65.9% है, जो कि बहुत जबरदस्त है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.76 है। बात करें प्रॉफिट्स की तो मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का था, जो मार्च 2023 में इंक्रीज होकर 31 करोड़ हो गया था। कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 66.5% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है, और साथ ही एफआईएस भी 8.01% का स्टेक होल्ड करते हैं, और डीआईएस भी 11.96% की होल्डिंग है। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक है एक्सिकॉम टेलीसिस्टम लिमिटेड। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और फ्यूचर स्टिक भी। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन, बैटरी सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम्स का बिजनेस करती है, और डीसी पावर सिस्टम में इस कंपनी के पास में 16% का मार्केट शेयर है इंडिया में, जो कि एक अच्छा एडवांटेज है इनके पास में। दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी, जो कि 86% के गेन के साथ हुई थी। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 2,709 करोड़ का है, और शेयर का प्राइस 224 पर ट्रेड कर रहा है, और पीई रेशियो 386 है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 3.10% है, और आरओसीई 14.6% है, जो कि कम है, और डेप्ट टू इक्विटी 0.57 है। इसके अलावा प्रमोटर्स की 69.57% की एक्सीलेंट होल्डिंग है, साथ ही एफआईएस की 3.11% और डीआईएस की 14.15% की होल्डिंग्स हैं। बात करें प्रॉफिट्स की तो कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, आप एनालाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टॉक है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी ऑटोमोबाइल डीलरशिप का बिजनेस करती है, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत 1983 से की थी। ये कंपनी व्हीकल ओनरशिप, सेल्स ऑफ न्यू व्हीकल्स, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग व्हीकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ प्री ओन्ड व्हीकल्स एंड सेल ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड ऑपरेटिंग ड्राइवर स्कूल्स के सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी में 19 मार्च 2024 के दिन हुई थी, और इसकी लिस्टिंग 2% के डिस्काउंट के साथ हुई थी। अभी यह स्टॉक 263 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इस कंपनी की मार्केट कैप 1874 करोड़ की है, जो कि अभी स्मॉल कैप कंपनी है, और पीई रेशियो 30 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से कम है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, और आरओसीई 13.5% है, जो कि डिसेंट है, और डेप्ट टू इक्विटी
3.23 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में प्रॉफिट 34 करोड़ के थे, फिर अगले साल 2023 में भरकर 64 करोड़ के हो गए थे। 2022 के कंपैरिजन में 2023 में अच्छी जम देखने को मिली है। अगर इसी तरह से यह कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती रही तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाकर यह स्टॉक दे सकता है। इसके अलावा प्रमोटर्स की 61.18% की एक्सीलेंट होल्डिंग है, साथ ही FIIs और DIIs दोनों की इस कंपनी में अच्छी होल्डिंग है। दोस्तों, ये थे 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर हम इस कंपनी में अगले 5 से 6 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पर मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले लें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।